से दिल्ली पुलिस परिवार समिति के डीसीपी कुमार यानिस जी हैं। किस तरह से तमाम परिवारों को आप हेल्प कर रहे हैं, खास करके जो लोग पुलिस में हैं? ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम 52वां अपना वार्षिक समारोह कर रहे थे, तो बहुत तरह तरह से जो पुलिस परिवार के लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको नौकरी दिलाने के लिए कंप्यूटर कोर्सेज है, बेसिक एडवांस्ड है, ड्राइविंग क्लासेज है, स्विमिंग है, सिलाई मशीन के बहुत बेसिक एडवांस कोर्सेज हैं, ड्राइविंग क्लासेज हैं। इसके अलावा बच्चों को टैलेंट को नर्चर करने के लिए हमारा एक मिशन ओलंपिक्स बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हमारे बच्चे रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे भी शूटिंग, कबड्डी, बहुत सारे और स्पोर्ट्स में मेडल जीत रहे हैं, जिससे उनको आगे नौकरी मिलने भी होती है और उनके एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अभी चीज़ का विशेष जिक्र करना चाहूँगा, स्मिता एक हमारा स्कूल है जो इस्टेब्लिश हुआ है 5 दिसंबर 2023 में, जिसमें स्पेशली एबल्ड बच्चों की थेरेपीज़ होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बाहर बहुत महंगा होता है। तो वो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी होती है, जिससे पुलिस परिवार के बच्चों को और उनके परिवार को काफ़ी मदद मिली है। मोस्टली किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है पुलिस फैमिलीज को? सबसे बड़े जो एक बोले एक शब्द, समय का परेशानी। हमारे जॉब इतनी डिमांडिंग है कि जो पुलिसकर्मी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है। इसीलिए हमारी ये बाउंडेड ड्यूटी है कि हम जो चीज़ों की भरपाई हम उनसे कर सकें। जैसे मैंने बताया, ड्राइविंग क्लासेस, हमें आपको जानकर खुशी होगी कि जब उनके हमने सर्वे किया तो जितनी महिलाओं ने, विशेषता महिलाओं ने सीखा टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स, वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। बोलती हैं हम खुद बच्चों को ड्रॉप करते हैं, खुद अपना काम करते हैं, तो उनको अपने स्पाउसेस पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। बहुत लोगों ने जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके, कुछ लोगों को बहुत अच्छी नौकरियाँ मिली, स्विमिंग का कोर्स करके लोग अपना काम भी खोल रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो बहुत तरह से मदद मिलती है उनको इंडिपेंडेंट होने में। टोटल दिल्ली में कितने सेंटर्स हैं पुलिस वेलफेयर के? आज के दिन में हमारे दिल्ली पुलिस में 13 वेलफेयर सेंटर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना डीसीपी कुमार ग्यारिस को। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन बैक उनके साथ श्वेता गुप्ता।